हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास टेंथ मैथ के जो 2019 मार्च 7 मार्च को मैथ्स के पेपर हैं वो उनके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इम्पॉर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चन हैं। टॉप स्टार्टिंग के टॉप 3 चैप्टर्स के मैथ्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इन क्वेश्चनों को ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि मैंने पिछले वर्ष ऐसे टॉप क्वेश्चन मैंने बनाए थे जो बच्चों के लिए बेहद लाभदायक रहा। तो चलिए देखते हैं। पहला चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर में एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 1.2 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे √2, √3, √5, प्रूव दैट इट इज़ इरेशनल नंबर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपको इस चैप्टर से परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए क्वेश्चंस मिल सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन 3 + √2, 3 + √5। सेकेंड क्वेश्चन 5 - √3। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए मिल सकते हैं। और आपको जैसे पता हो कि जैसा कि वास्तविक संख्या से 6 मार्क्स मिलते हैं, तो 1.3 आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 है, ओनली वन नंबर के क्वेश्चन इसमें आते हैं, यह बेहद इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर है पॉलीनोमियल्स। सेकेंड चैप्टर पॉलीनोमियल्स मीन्स बहुपद। इसमें एक्सरसाइज 2.1 से बिल्कुल क्वेश्चन ना के बराबर ही पूछे जाते हैं। आप उसे नहीं भी पढ़ोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे, इसमें एग्जांपल नंबर थर्ड और एग्जांपल नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एग्जांपल आप बिल्कुल इग्नोर ना करें, इन्हें अच्छे सॉल्व करें। एग्जांपल से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को ये होता है कि बच्चा जो है कई बार बुक्स को अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लेता है, बुक्स की अच्छी प्रिपरेशन कर लेता है, परंतु एग्जाम्पल पर फोकस विशेष नहीं ध्यान देता है और एक्सरसाइज अच्छी से प्रिपरेशन कर लेता है। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.3, एग्जाम्पल नंबर इसका 8 और 9। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2.3 के। ठीक है, तो 2.3 के 8वां और 9वां एग्जाम्पल है, और क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4 ये इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड चैप्टर है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो इसका एक्सरसाइज 3.1 देखेंगे। 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी ये वाली एक्सरसाइज विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सरसाइज 3.2 देखेंगे, थ्री पॉइंट टू में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर सॉल्व करो, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछली बार कुछ आए हैं, पिछले कुछ एग्जामों में ये क्वेश्चन आ गए हैं हमारे बोर्ड के एग्जाम में। एक्सरसाइज 3.3 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ और फिफ्थ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का 1, 2 और 4, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 11 भी इंपॉर्टेंट है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम्पल नंबर 13 एग्जाम्पल नंबर, उदाहरण नंबर नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं एक्सरसाइज 3.4, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ और क्वेश्चन नंबर 2 का 2, 3, 5, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 16 भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3.5 देखेंगे, नंबर 3.5 क्वेश्चन नंबर सेकंड का 1 और 2 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 का 1, 2, 4 और 5, एग्जाम्पल नंबर 19 वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी एनुअल एग्जाम में भी पूछा गया है ये। अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.6, क्वेश्चन नंबर 1 का देखेंगे 2, 4, 6, 8, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 2, 4, 6, 8 और क्वेश्चन नंबर 1 का 3 देख लेंगे। ओके,
तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट में सबसे लास्ट चैप्टर एक्सरसाइज 3.7 ये ऑप्शनल है, तो दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैन से दैट, बट इसमें से आपको कभी कभी 5वां 6वां 7वां ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। तो थर्ड चैप्टर काफ़ी बड़ा है और ये सारे क्वेश्चन आपको बचे हुए दिन में कम समय में अच्छे से सॉल्व कर लेना है। इन पर अच्छी प्रिपरेशन बनाओ और ये वीडियोज़ हमारी आप देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि और गरीब बच्चों के पास और जिनकी अच्छी सी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है उन तक ज़रूर पहुँचे। और इसमें से मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको 70-80% क्वेश्चन ज़रूर आएंगे इसमें से, आप अच्छी प्रिपरेशन इनकी करें। थैंक यू।